नमस्ते एवरीवन। तो आप ये चीज़ें देख के समझ ही गए होंगे कि मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। और मैं जो कढ़ी बना रही हूँ, मैं प्याज वाली कढ़ी बना रही हूँ। इसमें मैं पकौड़े नहीं डालूँगी। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास पकौड़े नहीं होते हैं, तो बिना पकौड़ों के भी बहुत अच्छी कढ़ी बन जाती है थोड़ा प्याज डाल के। तो मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ। तो ये बनाने के लिए मैं थोड़ा सा बेसन डाल लूँगी इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बेसन मैंने इसमें मिक्स कर लिया, तेल भी यहाँ पे गर्म हो चुका है। मैंने कढ़ाई में तेल डाला था, सरसों का तेल मैंने लिया है। आप सरसों के तेल में अगर बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। तो ये ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी मेथी डालेंगे। मेथी ज़रूरी होती है कढ़ी में डालनी, तो वो डालेंगे। मेथी के बाद हम इसमें तेज़पत्ता डालेंगे, दो सूखी मिर्च डालेंगे इसमें, लाल सूखी मिर्च। इनको थोड़ा सा पकने देते हैं। तो अब समय आता है, हम इसमें हल्दी डाल देते हैं। हल्दी हमने कम डालनी है। नमक, गरम मसाला और इनको हल्का सा मिक्स करना है। और अब हमने हींग डाल दिया इसमें। अब हम दही डाल देंगे। और इसको मिक्स करेंगे और इसको 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट का के बाद ये बिल्कुल पक जाएगी और बहुत ही अच्छी, बिना पकौड़े के बहुत स्वाद कढ़ी घर पे ही तैयार हो जाएगी। और आप इसको मक्की की रोटी के साथ, चावल के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। बहुत ही आसान है ये बनाना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।